यूथ कांग्रेस पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर लीक मामले में जिला सिरमौर यूथ कांग्रेस 18 मई से एसपी सिरमौर कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठने जा रही है, जिसको लेकर आज यूथ कांग्रेस जिला सिरमौर ने प्रदेश उपाध्यक्ष की अगुवाई में एक ज्ञापन एसपी सिरमौर को सौंपा है। हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में यूथ कांग्रेस मांग कर रही है कि जब तक पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच चल रही है, तब तक डीजीपी पुलिस को अवकाश पर भेजा जाए। गठित एसआईटी की जिन अधिकारियों पर उंगली उठ रही है, उन्हें जांच से हटाया जाए। गठित एसआईटी को जांच के मामले में फ्री हैंड छोड़ा जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो। परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पकड़ने से पहले पेपर लीक करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दबोचा जाए। जिन कर्मचारियों की पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा पेपर की जिम्मेवारी थी, उन पर शिकंजा कसा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि आपको मालूम है, आजकल पूरे प्रदेश में युवाओं की जो रोजगार है, वो बेरोजगार जो दर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उसमें सरकार वैसे ही विफल है। उसमें नए से नए कीर्तिमान जो सरकार आज आपके सामने मैं उजागर करने जा रहा हूँ कि पिछले दिनों से आपके मीडिया से हमें मालूम चला, 12 दिन पहले की जो पेपर लीक के मामले सामने आए, ऐसा क्या रीज़न हो गया हिमाचल प्रदेश में कि जयराम सरकार बनते ही पेपर लीक के 2 मामले हो गए। इससे पिछली बार भी हमारा प्रोर कांगड़ा में हुआ और आज फिर कांगड़ा में फिर ये दोबारा से चोरी पकड़ी गई है। हम ये डिमांड करते हैं, हमारी जो पेपर लीक के ऊपर जो डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड हमारी मुख्य मानदी है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो डीजीपी साहब को वो अपने उनको घर बिठाया जाए, जो उनको छुट्टी पे भेजा जाए, उनकी जगह किसी और अफसर को तैनात किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो एसआईटी गठित की गई है, उसमें जिस अफसर के ऊपर, दागी अफसरों के ऊपर जो उंगली उठ रही है, उनको हटा के नए अफसर वहाँ पे अपॉइंट किए जाएं। और तीसरी मांग हमारी ये है कि एसआईटी जो है उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए, जो एसआईटी जो काम कर रही है, जो धर पकड़ के काम कर रही है, उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए। चौथी हमारी जो मांग है, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मांग जो है, कि जो छात्रों को इन्होंने पकड़ा है, स्टूडेंट्स को जो पकड़ा है, हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट को पकड़ने से पहले जिन्होंने पेपर को लीक किया, जिन्होंने पेपरों को सेट किया, जिनकी जिम्मेवारी थी, जिन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेवारी थी पुलिस सेंटर तक पेपर पहुंचाना, पेपर की देख रेख जिनके जुडिशरी में थी, जिनके उसमें दायरे में थी, उनको पहले वो उनकी पूछताछ क्यों नहीं की गई। और मुख्य आरोपी तक पहुँचने की बात है, जिन्होंने ये कांड जहाँ से हुआ है उसको अभी तक धरपकड़ क्यों नहीं किया। साथ में जो एसआईटी बनी है, पांचवी हमारी जो मांग है, जो एसआईटी हमारी बनी है, उसमें हाई कोर्ट सिटिंग जज से जो उसका वो देख रेख हो, उसकी उनकी देख रेख में ये सारा मामला आए। हम नहीं चाहते कि ये कोई मामला जो है किसी और व्यक्ति के पास जाए, कि सरकार का कोई प्रेशर आ जाए, कहीं इनके नेता के इन्वॉल्व ना हो। ये हमारी सारी डिमांडें हैं जो हम आज एसपी साहब के पास आए हैं। हम कल सुबह 10 बजे से एसपी साहब के ऑफिस के बाहर हमारी युवा टीम जो है, पूरी युवा कांग्रेस की टीम जो है, धरने पर बैठेंगे। मैं स्वयं खुद बैठूंगा और जब तक हमें ये मांगे हमारी नहीं मानती है सरकार, तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। धन्यवाद।